शुरुआत के 2 महीने में 11 मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद अब कोई बातचीत का दौर जारी नहीं है, फिलहाल सब बंद है, पर सरकार को इसके बातचीत के रास्ते ज़रूर खोलने चाहिए। नया करते तो आज क्या नया किया है आपने? देखिए, ये 2 दिन का सम्मेलन है और इस सम्मेलन से, जैसे कल इसका रिजल्ट डे है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी घोषणाएं देखने को मिलेंगी, आने वाली प्लानिंग्स देखने को मिलेगी कि आने वाले दिनों में हम क्या बड़ी सोच लेके चले हैं, लोगों को कैसे जोड़ेंगे, इस आंदोलन को कैसे गति देंगे और इस आंदोलन को जीत की तरफ कैसे लेके जाएंगे। जैसे कि राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया था 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी जी, वहीं बीजेपी ने एक तरफ दूसरा ऐलान कर दिया कि 5 तारीख को उनकी भी एक महापंचायत है किसानों की। तो कोई बात नहीं, किसान वर्सेस आरएसएस जो है महापंचायत, देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा होगा। हमारी तो रिकॉर्ड तोड़ महापंचायत होने वाली है और आप सबके ज़रिए भी मैं सभी किसान परिवारों को आमंत्रित करना चाहूँगी। जी बिल्कुल जाएंगे, हमारा हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर औरत वहाँ पर पहुँचेगी और ये एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी जी। वहीं जहाँ यूपी चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, सरकार एक तरफ अपने अच्छे काम गिना रही है और आप लोग सरकार का इतना विरोध कर रहे हैं। देखिए मैडम, अगर अच्छे काम किए होते तो विरोध नहीं होता। थैलों पे अपनी फोटोज चिपका के उन पे इतना पैसा वेस्ट करना, बजाय उसके अगर वो उसी पैसे का अनाज थैलों में डाल के गरीब को देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो पब्लिसिटी के लिए हमारा पैसा यूज़ कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से वो थैलों पे अपने जो है फोटोज प्रिंट करवा रहे हैं। उस वेस्टेज की बजाय अगर वो सच्चे मन से उस पैसे का अनाज लेकर एक गरीब के घर में देते, वो गरीब के पेट में जाता, बच्चे की थाली में जाता, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता। होर्डिंग्स लगाती है सरकार अपना जो है अपनी पब्लिसिटी के लिए, वो होर्डिंग हमारे पैसे से लगाती है। सरकार का कमाया हुआ पैसा नहीं है, हमारे परिवारों का पेट काट कर दिया हुआ टैक्स का पैसा है। तो वो अपनी पब्लिसिटी करने की बजाय हमारे बच्चों की एजुकेशन पर, हमारे ऊपर या हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर, उन सब चीज़ों पर अगर खर्च करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यूपी चुनाव देखा जाए तो आप लोगों को प्रधानमंत्री जी से शिकायत, योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं है ना? हमें मौजूदा, मतलब अगर इस सरकार की जगह कोई और सरकार होती और ये कानून लेकर आती तो हमें उससे भी शिकायत होती। हमें केंद्र में बैठी हुई सरकार से शिकायत है, इसीलिए मोदी जी बैठे हैं तो उनसे शिकायत है। हमारी लड़ाई कानूनों को लेके है, हमारी किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, पर्टिकुलर पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सत्ता के साथ हमारी लड़ाई इसलिए है क्योंकि उन्होंने कानून बनाए हैं और लागू करने की फिराक में है, तो लड़ना तो उन्हीं से पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता अगर 2022 के चुनाव से पहले बिल वापस हो जाते हैं तो यूपी में दोबारा बीजेपी आ सकती है? देखिए मैडम, जिस हिसाब से बीजेपी का सिस्टम हमने साफ किया है, उम्मीद तो नहीं है, बाकी फिर भी लेट्स वेट एंड वॉच। योगी जी तो अब भी कहते हैं ना कि यूपी में 300 पार पिछली बार भी कहा था, शायद बंगाल में भी कहा था, तो ये अपना बोलते रहेंगे, अपने आंकड़े बोलते रहेंगे और हम इनको इनके औकात दिखाते रहेंगे। बंगाल में तो टीएमसी थी ना और यूपी में ऑलरेडी बीजेपी है। देखिए मैडम, पहले हालात कुछ और थे और आज के जो 9 महीने के इस आंदोलन ने जो हालात बदले हैं, उन हालातों को पहले के हालात से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में जो भी माहौल बदलेगा वो आप देखते जाएंगे कि बीजेपी के टोटली खिलाफ बनने वाला है। जो महापंचायत हो रही है उसमें क्या आप लोग यूपी चुनाव की रणनीति बनाएंगे? हम यूपी को जागृत करने की और यूपी चुनाव की दोनों राजनीति बनाएंगे। हम जिस एरिया में जागृति नहीं है उस एरिया में जागृति लाने की कोशिश करेंगे। जो हरियाणा पंजाब में हमने जिस तरीके से मोर्चे संभाल रखे हैं उसी तरीके से हम यूपी को भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग भी उसी तरीके से आएँ, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ की जनता का अगर वहाँ से सहयोग हमें पूरी तरीके से मिलता है तो ये आंदोलन एक अलग ही रूप लेगा। जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुनने में आता है, जो यूपी के किसान है वो बस एक ही बात कहते हैं कि हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे, चाहे किसी को भी दें। किसी को भी दें, किसी को भी नहीं दे सकते आप। आपको अब समझना होगा कि आप इसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, मतलब वो सब भाईचारा है, मिलजुल के खड़े हुए हैं। एक अगर सत्ता में आता है वो आपका शोषण करता है, एक बार आप उसको वोट नहीं देते, दूसरे को दे देते हैं, दूसरा कौन सा आपको कुछ देने वाला है? तो खड़े कीजिए अपने उम्मीदवार, अपने किसान भाइयों को खड़ा कीजिए, हमारे परिवारों के बच्चों को खड़ा कीजिए, हमारी बहनों को, बेटियों को खड़ा कीजिए और सत्ता में लाइए। ऐसा नहीं लगता कि किसानों को खुद एक अपनी एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए 2022 के? हमारे आगू अगर ऐसा चाहेंगे तो वो हुक्म उनका सर आंखों पर, वो बड़े हैं, समझदार हैं, वो जो कहेंगे वो मान्य होगा। अभी भी 50% से ज़्यादा लोग बीजेपी के समर्थन में उत्तर प्रदेश, आप बोलने समझाने की बात क्या वो समझेंगे? हमने आपको पलटवार दिखाया बंगाल में और वही पलटवार हम आपको बंगाल को और यूपी को मैं अच्छे से जानता हूँ, बंगाल में वहाँ पे टीएमसी का दबदबा बहुत ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पे जात धर्म की राजनीति बहुत कम चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल जात धर्म से ही निर्धारित है,
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है। आज तक लोग जात और धर्म के नाम पे बढ़ते आए थे, पर इन 9 महीनों में आपने देखा होगा कि लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपनी भलाई बुराई सोचने लगे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सोचने लगे हैं, अपनी ज़मीन और ज़मीर के बारे में सोचने लगे हैं। तो इस बार ज़मीर ज़रूर जागेगा और उस गंदी सरकार को ज़रूर झुकाएंगे। अगर देखा जाए भारत में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट बिहार था जी, अब बिहार की जगह पर उत्तर प्रदेश हो गया एजुकेशन सिस्टम जी। जात धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा काटा गया उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को समझाना। कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा कर्म है और फल देना ईश्वर का कर्म है, तो हम मेहनत करते रहेंगे। आपकी बातों से कुछ फर्क पड़ेगा वहाँ पर जाकर? आज तक 9 महीने में बहुत कुछ फर्क पड़ा है, बहुत पड़ा है, उत्तर प्रदेश में नहीं। आप आने वाली 5 तारीख को उत्तर प्रदेश का फर्क देखिएगा, आपसे वहीं मिलते हैं। ठीक है, जरूर हम मिलेंगे आपको वहाँ मुजफ्फरनगर में, आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।